राजभर नाम की तो कोई जाति ही नहीं है भारतवर्ष में। सबसे पहले तो ये है जान लीजिए, भर भर रही है, और भर जो है वो पासी की ही एक उपजात रही है, जैसे खटिक, आरख, मोठी, ये सब जो है पासी समाज की ही उपजातियाँ रही हैं। लेकिन अब उनको लड़ा करके आरखों को अलग कर रहे हैं, उनको राजपूत बता रहे हैं, उसी तरह से राजपूत जो ये अपने को राजभर कहते हैं जो भर थे, उनको जो बैकवर्ड की सूची में डाल दिया गया, लेकिन वो अपने को बैकवर्ड न करके वो भी कहते हैं हम ठाकुरों की औलाद हैं, क्षत्रियों की औलाद हैं। तो इस तरह से वो करके वो अपने बाप को भी भूल रहे हैं, अपने वंश को भी भूल रहे हैं, वो दूसरे के बाप को अपना बाप बना रहे हैं। हमारे समाज का इतिहास जो ऐतिहासिक प्रमाण है, साक्ष्य हैं, उसको मानना चाहिए, ना कि कोई कुछ कहने लगे कल आकर के कोई कहे कि ये जो है क्षत्रिय थे या ये ब्राह्मण थे। हमारे समाज के अगर इतिहास को कोई छेड़छाड़ करेगा तो वही मैं बताता हूँ, पहले तो छेड़ने की कोशिश हम लोग नहीं करते, लेकिन जो छेड़ेगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। यही इसीलिए पासियों पर क्रिमिनल कास्ट कहा गया है, पासी को क्रिमिनल घोषित किया गया था। भले ही हमारे समाज को पुनः क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया जाए, लेकिन हमारे समाज के इतिहास से जो भी छेड़छाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार साथियों, इस समय हम जनजागरण चैनल पर उपस्थित हैं। आज महाराजा बिजली पासी किले पर महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई गई। हमारे साथ इस समय महाराजा छीता पासी के ट्रस्ट के महामंत्री मूलचंद भार्गव जी हैं। सर, आज आप किले पर आए हैं, महाराजा बिजली पासी किले पर आकर आपको कैसा महसूस? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और महाराजा बिजली पासी के जन्म दिवस पर जो है उनको बहुत बहुत जो है बधाई देता हूं कि वास्तव में जो है हमारे महाराजा छीता पासी ने हमारे पासी समाज ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र को ये संदेश दिया है कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। उन्होंने अपना जीवन पर्यंत संघर्ष किया, और उसी संघर्ष का परिणाम है कि आज हर समुदाय, पूरा भारतवर्ष का जितना पासी समाज ही नहीं अन्य समाज भी जो है अपने को गौरवान्वित महसूस करता है कि महाराजा छीता पासी जैसे इतने पराक्रमशाली वीर हमारे देश में हुए, आज उनका हम लोग जो है जन्मदिवस मना रहे हैं उनके किले पर जो है। और मैं अपने पासी समाज के लिए, इस संघर्ष के लिए, आप सभी लोग जानते होंगे किसी समय इसको अंसल बिल्डर्स जो था उसको यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया था और पूरे किले को ध्वस्त कर रहा था, तब हमारे समाज के तमाम लोगों ने, हम सभी लोगों ने मिलकर के बहुत बड़ा संघर्ष किया। मैं इसका यहाँ का संयुक्त मंत्री भी, प्रदेश का भी संयुक्त मंत्री हूँ जो है, बहुत बड़ा संघर्ष किया, और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हम लोगों को ये हमारा किला संरक्षित हुआ। और फिर बहन मायावती जी ने जो है इस जो प्रतिमा हमारी लगी है, ये बहन मायावती जी ने लगाया था, किले की बाउंड्री भी बनवाया था, और माननीय मुलायम सिंह जी ने जो है 15 लाख रुपये जो है सर्वप्रथम उन्होंने हमारे इस के रख रखाव के लिए दिया था, परंतु बहन मायावती जी ने किया। उसके बाद माननीय कल्याण सिंह जी ने जो है हमारे महाराजा बिजली पासी के सम्मान में उन्होंने स्मारक भवन का निर्माण कराया, और उनके नाम से जो है यहाँ पर महाराजा बिजली पासी महाविद्यालय की स्थापना कराई। हम उन सभी महापुरुषों को जो महानुभावों ने हमारे समाज के लिए किया, पासी समाज के लिए, महाराजा बिजली पासी के लिए किया, उनको भूर भूर धन्यवाद करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं, और हम अपने समाज से भी आह्वान करते हैं कि इसी वर्ष तरह हमारे जितने भी हमारे समाज के महापुरुष हैं उनकी जयंती मनाएं, उन्हें याद रखें, क्योंकि बिना अपने इतिहास को याद किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको अगर सीखना है और अपने अस्तित्व को बचाना है तो इतिहास से सबक लेना होगा, और महाराजा बिजली पासी, महाराजा छीता पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा सुहलदेव पासी, तमाम जो है वीरांगना उदा बहन, वीरांगना उदा देवी हमारी जैसी वीरांगनाएं हुई हैं, इनसे सबक लेना होगा और इनके चिन्हों पर चलना होगा, और अपने पौरुष को जो हम लोगों का रहा है गौरव स्वाभिमान, लेकिन पासी समाज में जो है कि वो अकल का कम इस्तेमाल करता है, अकड़ का करता है, लेकिन अब अकल का और विज्ञान का युग है, उसका इस्तेमाल करना होगा। जय हिंद, जय पासी समाज। सर, एक सवाल और है, कुछ राजभर समाज के लोग हैं समय समय पर उन्माद फैलाते हैं कि महाराजा बिजली राजभर हैं, वीरांगना उदय देवी राजभर हैं, सुहेल देव राजभर हैं। अभी इस 25 तारीख को, आज 22 तारीख है, 25 तारीख को कुछ लोग ऐसा जो है दावा किए हैं कि यहाँ पर आकर कार्यक्रम करेंगे, महाराजा बिजली पासी को राजभर घोषित करेंगे, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अक्सर करके ये लोग जो है जो मुट्ठी भर लोग हैं, इनको कुछ नहीं है, राजनीतिक दुनियादारी करके और कुछ राजनीतिक लोग ही आपस में लड़ने का काम करते हैं। राजभर नाम की तो कोई जाति ही नहीं है भारतवर्ष में। सबसे पहले तो ये है जान लीजिए, भर भर रही है, और भर जो है वो पासी की ही एक उपजात रही है, जैसे खटिक, आरख,
मोठी, ये सब जो है पासी समाज की ही उपजातियाँ रही हैं, लेकिन अब उनको लड़ा करके आरखों को अलग कर रहे हैं, उनको राजपूत बता रहे हैं। उसी तरह से राजपूत जो ये अपने को राजभर कहते हैं, जो भारत थे उनको जो बैकवर्ड की सूची में डाल दिया गया, लेकिन वो अपने को बैकवर्ड न करके वो भी कहते हैं हम ठाकुरों की औलाद हैं, क्षत्रियों की औलाद हैं। तो इस तरह से वो करके वो अपने बाप को भी भूल रहे हैं, अपने वंश को भी भूल रहे हैं, वो दूसरे के बाप को अपना बाप बना रहे हैं। हमारे समाज का इतिहास, जो ऐतिहासिक प्रमाण है, साक्ष्य हैं, उसको मानना चाहिए, ना कि कोई कुछ कहने लगे, कल आकर के कोई कहे कि ये जो है क्षत्रिय थे या ये ब्राह्मण थे, ये वो थे, तो उनके कहने से कुछ नहीं होता है। इतिहास गवाह है, जो है हमारे पुरातत्व में तमाम हैं, और तमाम अंग्रेजों के द्वारा लिखे हुए, तमाम बड़े बड़े अन्य साहित्यकारों के द्वारा लिखे हुए, जैसे महाराज सुहेलदेव के बारे में भ्रामक था, लेकिन सैयद वो जो था अब्दुल रहमान चिश्ती, उसने मितार मसूदी में भी लिखा हुआ है कि महाराजा सुहेलदेव पासी थे और उन्होंने वहाँ एक ना ही 1.5 लाख मुस्लिम आक्रांतों को मारा था। विश्व हिंदू परिषद के आज वो स्वर्गीय हो चुके हैं अशोक सिंघल जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के, हिंदू हृदय सम्राट वो कहे जाते हैं, उनसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। उन्होंने भी अपने विश्व हिंदू परिषद की किताब जो है एकात्मकता, एकात्मकता नाम की पुस्तक जो विश्व हिंदू परिषद छापता है, उसमें उन्होंने जो है अशोक सिंघल जी ने लिखा है कि दलित क्यों बनी, कैसे बनी बहादुर पासी कौम, वो टॉपिक उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है महाराजा सुहेलदेव जो है को पासी बताया है, और उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है कि 1314 में जेठ मास के प्रथम रविवार को 1-2 नहीं 1.5 लाख मुस्लिम आक्रांतों को मारा था, और वो महाराजा सुहेलदेव पासी थे। इस तरह से कर तमाम करके उसी तरह से उन्होंने आगे लिखा है कि आल्हा और उदल को भी हराने वाले पासी समाज के ही लोग थे। महाराजा बिजली पासी का भी उल्लेख है, महाराजा सातन पासी और छीता पासी आदि तमाम लोगों का वर्णन है। तो इतिहास को नहीं जुड़ला सकता, और ये राजनीतिक जो गोटियां चल रही हैं, राजनीतिक पैतरेबाजी, ये घिनौनी राजनीति बंद होनी चाहिए। इससे हमारे देश का भला नहीं होने वाला है, और ना ही देश में शांति होने वाली है। अगर देश में भला अमन चैन चाहते हो, तो जो जिसका है उसको उसका हक मिलना चाहिए। और हम लोग भी वही है कि हमारे समाज के अगर इतिहास को कोई छेड़छाड़ करेगा, तो वही मैं बताता हूँ, पहले तो छेड़ने की कोशिश हम लोग नहीं करते, लेकिन जो छेड़ेगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। यही इसीलिए पासियों पर क्रिमिनल कास्ट कहा गया है, पासी को क्रिमिनल घोषित किया गया था। भले ही हमारे समाज को पुनः क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया जाए, लेकिन हमारे समाज के इतिहास से जो भी छेड़छाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। राजनीति करे अपनी, खूब करे, नौटंकी अपनी करे, खूब करे, लेकिन पासी समाज के इतिहास से खिलवाड़ ना करे, इसी में उसकी भलाई है। धन्यवाद। जय भारत, जय पासी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद सर।